अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑथेंटिक इंडियन कुक। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चुक्का गोश्त रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही प्यारा और क्यूट मेहमान से मिलाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये हमारे गार्डन के आम के पेड़ में था नेस्ट, और इसमें तीन छोटे छोटे बेबी बर्ड्स थे जो नीचे गिर गए। दो बेबी बर्ड्स को मैंने घर में लिया है और पेरेंट्स को ढूंढ रही हूँ मैं, अगर मिल जाए तो वहाँ पर रख दूँ, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। बेबी बर्ड्स बहुत ही परेशान हैं और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या खाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, मैं भी सर्च कर रही हूँ कि ये क्या खाते हैं। देखिए कितने क्यूट हैं। अब हम अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं, चलिए स्टार्ट करेंगे। गोश्त चुक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 300 ग्राम्स मटन, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, 3 मीडियम साइज ऑनियंस जिसे बारीक कट कर लिया है मैंने, 2 टमाटोज, 4 ग्रीन चिल्लीज जिसे बारीक कट कर लिया है, और 10 मीडियम साइज बंचेस। चुक्के की भाजी है ये। फर्स्ट मैंने प्रेशर कुकर में 150 ml कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें ऑनियंस ऐड करके लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी मैं। लाइट ब्राउन होने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है मटन, मटन को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फिर इसमें ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। सभी मसाले मटन को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी 150 ml वाटर। मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। प्रेशर कुकर का लिड लगा दूंगी 6-7 वेसल्स होने के लिए, ताकि मटन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तब तक हम चुक्के को तोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें फिंगर टिप से तोड़ना है, इसे नाइफ से नहीं कट करते। इसके स्टेम्स को भी हम तोड़ते हैं इस तरह से। इसका टेस्ट खट्टा होता है। देखिए इस तरह से मैंने सभी लीव्स को, स्टेम्स को तोड़ा है और वॉश भी कर लिया है। 6 वेसल्स हो गए हैं। अब हम मटन को देखते हैं। मटन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, इसे 1-2 मिनट्स भूनूंगी मैं। भूनने के बाद इसमें ऐड करूंगी चुक्का, टोमेटोस और ग्रीन चिलीज। इसे ढककर हमें लो फ्लेम पर 10 मिनट्स कुक करना है, और हमें स्पून चलाते रहना है ताकि नीचे ना बैठे ये। मैंने सभी रेसिपीज़ अपने अम्मी जान से सीखी है। मेरी अम्मी कहती है जितना आप भूनोगे मटन को और चुक्के को, वो उतना ही टेस्टी होगा। देखिए 5 मिनट्स के बाद इस तरह से हो गया है, और 5 मिनट्स मैं कुक करूँगी। 10 मिनट्स लो फ्लेम पर कुक करने के बाद देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है और ये अच्छे से कुक हो गया है। अब मैं स्टाव का फ्लेम बंद कर दूंगी। ये रेडी है सर्व करने के लिए, मैंने डिश आउट कर दिया है। देखिए स्पून से मैं मटन के एक पीस को तोड़कर भी बताऊंगी। ये बहुत ही लजीज और टेस्टी होता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नई टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।